हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 27 नौ 2019 का मैकेनिकल का पेपर। इसका ये तीसरा पार्ट है। पहले दो पार्ट में हमने 20-20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, यानी 40 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जीके का पोर्शन भी कल हमने कंप्लीट कर लिया था, वो भी यदि आपने नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देखना। एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल में समझते हैं, इसलिए आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी सब्जेक्टेड टू टॉर्शन टी इज गिवन बाय। तो इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्मूला आया कैसे। आपको फ्रेंड्स पता है टॉर्शन इक्वेशन जो होती है, टो अपॉन आर इज इक्वल्स टू टी अपॉन आई पी इज इक्वल्स टू जी थीटा अपॉन एल। तो यदि हम पहले के दो पोर्शन लें तो टो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी अपॉन आई पी इंटू स्मॉल आर। यहाँ पे टो क्या है, टो है आपका शियर स्ट्रेस। यदि मैं बात करूँ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की, तो यदि हमारा कोई मान लो शाफ्ट है, तो यदि इसके सेंटर से मैं आर लेता हूँ तो आर की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, कैपिटल आर। इसका मतलब यदि मैं शियर स्ट्रेस मैक्सिमम की बात करूँ तो ये आपका हो जाएगा टी अपॉन आई पी इंटू कैपिटल आर। ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इसके सरफेस पे। अब हम निकालते हैं कि हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा। तो मैक्स बराबर टी अपॉन आई पी। आई पी यहाँ पे क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया शाफ्ट का कितना होता है, वो होता है आपका पाई बाई 32 इंटू डी टू द पावर 4। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो होता है पाई बाई 64 डी टू द पावर 4, लेकिन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई बाई 32 डी टू द पावर 4 है। और मैं आर को क्या लिख सकता हूँ, डी बाई 2 लिख सकता हूँ। तो यदि आप इसको सोल्व करोगे, ये 32 ऊपर जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 16 टी अपॉन पाई डी क्यूब, क्योंकि एक डी से डी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन हमारा थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, टो इजिकल्स टू 16 टी अपॉन पाई डी क्यूब शाफ्ट के लिए, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द लॉ दैट परमिट टेम्परेचर मेजरमेंट विद द कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट इज कट। तो आप सभी को पता है जो टेम्परेचर से रिलेटेड कौन सा लॉ है, तो वो है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यदि मैं बात करूँ फर्स्ट लॉ की, तो फर्स्ट लॉ क्या बताता है, एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है। डिटेल में जानना हो तो मैंने आपको जब एसएससी जेई के प्रीवियस क्वेश्चन का थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, तब वहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया था। और सेकंड लॉ किसके बारे में बताता है, सेकंड लॉ आपको बताता है एंट्रोपी के बारे में। और मैं यहाँ पे आपको ये भी बता देता हूँ कि थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। थर्ड लॉ कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, यदि वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे होता है, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसे कहते हैं, जीरो टेम्परेचर उसको हम बोलते हैं जीरो केल्विन। जीरो केल्विन जो होता है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। यदि मैं इसको डिग्री सेल्सियस में करूँगा तो -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट इस टेम्परेचर पर होगा तो उसके जो एटम का मूवमेंट है तो वो स्टॉप हो जाएगा। यानी कि मान लो एक सॉलिड भी है तो उसका जो अंदर पार्टिकल होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ तो टेम्परेचर होता ही है। लेकिन एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है कि उसके एटम का कोई मूवमेंट नहीं होगा, ये थर्ड लॉ बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हेड लॉसेस इन पाइप बैंड इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए हेड लॉसेस का बात करूँ मैं, फॉर्मूला होता है आपके वी वन माइनस वी टू का स्क्वायर अपॉन टू जी। ये फॉर्मूला यदि आप मान लो कोई भी पाइप है, जैसे इसका डायमीटर एकदम कम हो रहा है, या फिर कोई पाइप इधर से फ्लो हो रहा है यानी कि एकदम एक्सपांड हो रहा है, या पाइप बेंड हो रहा है, तो ये फॉर्मूला सेम लगेगा, लेकिन अलग अलग कंडीशन में आगे ये चेंज हो जाएगा। तो यदि मैं बात करूँ हेड लॉसेस को, इसको मैं वी वन को बाहर निकाल लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा वी वन का स्क्वायर अपॉन टू जी, और यहाँ पर आ जाएगा वन माइनस वी टू अपॉन वी वन। तो यदि मैं इस चीज़ को कॉन्स्टेंट मान लूँ, क्योंकि यहाँ पे V2 बाई V1 को मैं एरिया के रूप में लिख दूंगा, और ये एक तरीके से कॉन्स्टेंट मान लेता हूँ, तो हेड लॉसेस किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, हेड लॉसेस इज प्रोपोर्शनल टू V1 स्क्वायर बाई 2Z। और यदि मैं V2 कॉमन लेता तो यहाँ पे V2 स्क्वायर हो जाता। तो यानी कहने का मतलब है हेड लॉसेस इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर अपॉन 2Z। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग डेटा रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द टेस्ट ऑन ऑयल इंजन। स्पीड ऑफ इंजन 1000 RPM, लोड ऑन दी ब्रेक इज इक्वल टू 1000 न्यूटन, लेंथ ऑफ ब्रेक इज इक्वल टू 750 mm, ये mm है, ठीक है।
तो यानी कि यहाँ पे आपको पूछा गया है ब्रेक पावर। ब्रेक पावर का इंजन के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला होता है 2 πNt/60। तो यहाँ पे n क्या है, स्पीड है जो कि आपको दे रखी है, कितनी स्पीड ऑफ इंजन 1000 rpm, लेकिन आपको टॉर्क नहीं दे रखा। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है आपका फोर्स इंटू लेंथ ऑफ ब्रेक। तो फोर्स यहाँ पे कितना दे रखा है, लोड ऑन ब्रेक 1000 न्यूटन, तो ये फोर्स हो जाएगा। और लेंथ कितनी दे रखी है, 750 mm में, अपन को किस में रखना है, मीटर में, तो मैं 0.75 रख दूंगा, तो ये आ जाएगा आपके 750। अब यहाँ पे मैं इसको पुट कर देता हूँ, पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ब्रेक पावर कितनी आ जाएगी, 2 πN की वैल्यू कितनी है, 1000 × 750/60, तो ये आपका आ जाएगा 78539, ये आ जाएगा वोट के अंदर। और यदि मैं इसको किलो वोट में कन्वर्ट करूँगा तो ये आ जाएगा 78.539 को मैं 4 लिख सकता हूँ, तो ये आपका किलो वोट में आ जाएगा 78. तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा थर्ड करेक्ट हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे फॉर्मूला ये याद होना चाहिए, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू लेंथ ऑफ ब्रेक। अगला क्वेश्चन करते हैं, द रेनॉल्ड्स नंबर रिप्रेजेंट। रेनॉल्ड्स नंबर मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको इसका आंसर पता होगा। तो रेनॉल्ड्स नंबर होता है आपका इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। और विस्कस फोर्स हम कहाँ पे ज़्यादा देखते हैं, पाइप के अंदर, तो रेनॉल्ड्स नंबर ज़्यादातर पाइप में यूज़ आता है। तो जब भी आप पाइप का जो चैप्टर पढ़ते हैं तो रेनॉल्ड्स नंबर वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब यदि इसका मैं फाइनल फॉर्मूला निकालूँ तो आपको पता होना चाहिए रो वी एल अपॉन म्यू होता है। एल यहाँ पे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। और यदि मैं पाइप की बात करूँ, स्पेशली पाइप की, तो ये आपका रो वी डी अपॉन म्यू, ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, तो ये फॉर्मूला जनरली काम आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो ये वर्ड आपको पता होना चाहिए कि आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है, आइसोकोरिक। और एक वर्ड होता है आपका आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक। मैं जब भी ये क्वेश्चन आता है तो मैं आपको ये दोनों चीज़ें बताता हूँ, आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक का मतलब होता है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ये कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के दूसरा नाम है, तो ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा आंसर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। और दो वर्ड और होते हैं, आइसोबारिक और आइसोपिस्टिक, ये दोनों कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस के नाम हैं, प्रेशर कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो आपको यदि एग्जाम में आइसोबारिक और आइसोपिस्टिक दिखे तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर कॉन्स्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन द प्रेशर इनसाइड द बॉयलर ड्रम एक्सीड द डिजायर्ड लेवल देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस ब्लो ऑफ द एक्सेस स्टीम फ्रॉम द बॉयलर। यानी कि यदि प्रेशर में, मान लो हमारा कोई भी बॉयलर है एक फिक्स लिमिट तक काम करता है, यानी उससे ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो वो ब्रस्ट हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। तो उसको हम रोकने के लिए क्या करते हैं कि ऐसा कोई वाल्व होता है जो स्टॉप करते हैं। तो यानी कि ब्लो ऑफ का मतलब होता है बंद कर देना एक्सेस स्टीम ऑफ फ्रॉम द बॉयलर। तो ऐसा कौन सा वाल्व होता है, उसे हम बोलते हैं सेफ्टी वाल्व। यहाँ पे तीन वर्ड और दिए गए हैं, स्टॉप वाल्व, ब्लो ऑफ कॉक और फ्यूजिबल प्लग। ये तीनों क्या होते हैं, हम तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉप वाल्व, स्टॉप वाल्व क्या करता है, ये स्टीम को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, यानी कि बैक फ्लो को रोकता है। यानी कि ये मान लो आपका कोई पाइप है, इसमें फ्लो एक ही डायरेक्शन में होगा, यानी कि स्टीम का बैक फ्लो को रोकने के लिए हम स्टॉप वाल्व यूज़ करते हैं। ब्लो ऑफ कॉक, ब्लो ऑफ कॉक का मतलब क्या होता है, ये बॉयलर के बॉटम पार्ट में होता है ब्लो ऑफ कॉक। इसका काम क्या होता है, ये बॉयलर के जो बॉटम पार्ट होता है उसमें मड और सेडिमेंट्स जम जाते हैं, तो उनको बाहर निकालने के लिए हम इस वाल्व का यूज़ करते हैं। और फ्यूजिबल प्लग, फ्यूजिबल प्लग जो होता है ये लो मेल्टिंग जो मेटल होते हैं उनका बना हुआ होता है। यदि बॉयलर के अंदर वाटर का जो लेवल है वो एकदम नीचे चला जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि ओवरहीटिंग हो जाएगी। और जैसे ही एक लिमिट के बाद में टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज होता है तो ये मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट हो जाएगा तो ये बॉयलर को स्टॉप कर देगा। इसका मतलब स्टीम बनना बंद हो जाएगी और टेम्परेचर अपने आप डाउन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिगेस्ट लॉसेस इन द बॉयलर इज। देखिए बॉयलर में लॉसेस अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन जो फ्लू गैसेस होती हैं, फ्लू गैसेस कौन सी होती हैं, फ्लू गैसेस जो चिमनी से बाहर निकलती हैं, इनका क्या टेम्परेचर हाई होता है, तो इस टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी का लॉसेस होता है, हीट का लॉसेस होता है, उसको हम
वो मैक्सिमम लॉसेस होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ड्राइनेस इन फ्लू गैसेस। तो फ्लू गैसेस के हाई टेम्परेचर की वजह से जो लॉसेस होता है हीट का, वो बिगेस्ट लॉसेस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ एम डब्ल्यू इज द मास ऑफ वाटर चेंजिंग द एंथैल्पी फ्रॉम H1 टू H2 इन बॉयलर एंड एल इज द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, देन द इक्विवेलेंट इवोपोरेशन डिफाइन इज। तो यहाँ पे आपको बताना है इक्विवेलेंट इवोपोरेशन क्या होता है। मैं इसकी आपको डेफिनेशन बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इक्विवेलेंट इवोपोरेशन होता क्या है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस दैट अ बॉयलर कैन कन्वर्ट इन टू ड्राई सेचूरेटेड स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम ईच किलोजूल ऑफ एनर्जी दैट इज सप्लाइड दैट इज अप्लाइड टू इट। यानी कहने का मतलब है कि मान लो आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, उसको आपको क्या करना है, 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में कन्वर्ट करना है, और वो भी सेचूरेटेड स्टीम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है लेकिन यहाँ पे चेंज क्या हो रही है, लिक्विड से वेपर में, यानी कि यहाँ पे फेज चेंज हो रही है। और फेज जहाँ पे चेंज होती है वहाँ पे कौन सी हीट होती है, लेटेंट हीट। मान लो आपका मास कितना है, एम डब्ल्यू है, यहाँ पे दे रखा है मास ऑफ वाटर है, उसकी एंथैल्पी के लिए चेंज करने के लिए हमने हीट कितनी दी, वो आपके H2 माइनस H1 हो जाएगा। ये कितने डिफरेंस है, क्योंकि पहले इसकी एंथैल्पी H1 थी और फाइनली हो गई H2, और हमने चेंज क्या किया, फेज चेंज किया, तो यहाँ पे लेटेंट हीट हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला होता है आपके इक्विवेलेंट इवेपोरेशन का। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ ए वुडन ब्लॉक ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 0.5 इज 0.1 मीटर क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इमर्स इन द वाटर वेन द फ्लोटिंग इज। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो क्या होती है, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो यानी कि डेंसिटी ऑफ मैं ब्लॉक निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 0.5, और डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि कहने का मतलब है हमारे ब्लॉक की जो डेंसिटी है वो वाटर की आधी है। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट आंसर निकालें तो जो जितना वॉल्यूम बाहर रहेगा उतना ही उसके अंदर रहेगा, क्योंकि डेंसिटी उसकी आधी है। तो इसकी टोटल वॉल्यूम कितना है, 0.1 मीटर क्यूब है, तो इसका आधा बाहर रहेगा और आधा अंदर रहेगा। तो यदि 0.1 का आधा करूंगा कितना हो जाएगा, 0.05। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ए सिस्टम इज सेड टू बी थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम इफ द सिस्टम इज इन। तो आपने तीन चार नाम सुने होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि थर्मोडाइनमिक और थर्मल इक्विलिब्रियम सेम ही होता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल और मैकेनिकल, तीनों एक साथ इक्विलिब्रियम में होगा उस बॉडी को हम बोलेंगे थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम में। अब थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्विलिटी ऑफ टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर इक्वल है तो उसको हम बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे, इक्विलिटी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, यदि केमिकल बॉन्डिंग की वजह से इक्विलिब्रियम है तो उसको हम बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। और मैकेनिकल का मतलब है इक्विलिटी ऑफ फोर्सेज, तो फोर्सेज यदि इक्वल है तो उसको हम बोलेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। और तीनों का इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है, थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्नौली इक्वेशन इज यूज्ड फॉर। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बर्नौली इक्वेशन होती क्या है, पी बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और डेटम हेड तीनों जो है वो कॉन्स्टेंट होता है, या हम कह सकते हैं प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और डेटम एनर्जी तीनों का समेशन हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, ये बर्नौली इक्वेशन बोलती है। लेकिन बर्नौली इक्वेशन के 5 एजम्पशन होते हैं। जब भी बर्नौली इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं 5 एजम्पशन आपको बताता हूँ, यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आप इसका इजीली आंसर दे पाएंगे। यदि आपने फ्लूइड मैकेनिक्स का टोटल प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और आप जाके देख सकते हैं, सभी के सभी आपको वीडियो मिल जाएंगे। और फ्लूइड मैकेनिक्स से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, तो फ्लूइड मैकेनिक्स को कंप्लीट ज़रूर करें। तो बर्नौली इक्वेशन के 5 एजम्पशन कौन कौन से हैं, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, पहला एजम्पशन क्या है, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, इसका मतलब डेंसिटी कॉन्स्टेंट होती है। दूसरा एजम्पशन है इनविसिड, यानी कि फ्लूइड इज इनविसिड, इसका मतलब विस्कोसिटी उसकी क्या है, जीरो है। तीसरा एजम्पशन है फ्लो इज लेमिनार, यानी कि लेमिनार फ्लो के लिए ही बर्नौली इक्वेशन वैलिड है। और चौथा है फ्लो इज इरोटेशनल, यानी कि फ्लूइड के जो पार्टिकल है वो रोटेट नहीं करेंगे। और पांचवा है फ्लो इज स्टडी, ये 5 एजम्पशन आपको हमेशा याद रखने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
इन ए थ्रोटलिंग प्रोसेस विथ नेग्लिजिबल चेंजेज इन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। तो आप सभी को पता है जो हमारा थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है उसमें क्या होना है। थ्रोटलिंग प्रोसेस किसको बोलते हैं, यदि कोई नेरो पासेस है यानी कि कोई भी ट्यूब है जिसका डायमीटर बहुत ही कम है तो उसके अंदर कोई फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं थ्रोटलिंग प्रोसेस। और थ्रोटलिंग प्रोसेस में एंथैल्पी हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है यानी कि आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस होता है और प्रेशर हमेशा डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर इज कॉल्ड। तो एयर डिलीवर कितनी करता है कंप्रेसर उसको हम बोलते हैं कंप्रेसर कैपेसिटी, यानी ऑप्शन यहाँ पे थर्ड करेक्ट हो जाएगा। कंप्रेशन रेशियो आपको पता है टोटल वॉल्यूम टू द क्लियरेंस वॉल्यूम, या मैं कह सकता हूँ वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन टू द वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। और स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, जितना में ये मान लो आपका सिलेंडर है और पिस्टन यहाँ से यहाँ तक मूव करता है ये ऊपर क्लियरेंस वॉल्यूम रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा जहाँ पे पिस्टन मूव करता है उसको हम बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। और कंप्रेसर कैपेसिटी तो इसका आंसर हो ही गया। और फ्री एयर डिलीवरी यानी कि हमारा मान लो ये कंप्रेसर है, ठीक है, कंप्रेसर भी कंप्रेसर का टोटल वॉल्यूम जो होता है वो कंप्रेसर कैपेसिटी होती है, लेकिन एक्चुअल में उसकी एयर उसके अंदर कितनी एंटर कर रही है यानी कि इट इज़ द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ कंप्रेस्ड एयर मेजर एट द इनलेट कंडीशन ऑफ कंप्रेसर। यानी कि हमारा यदि कंप्रेसर है तो उस कंप्रेसर में एक्चुअल में कितनी एयर एंटर कर रही है उस एयर को हम बोलते हैं फ्री एयर डिलीवरी। आइडियल कंडीशन में तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है लेकिन एक्चुअल में उससे थोड़ी कम होती है तो उसको हम बोलते हैं फ्री एयर डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेचुरल ड्रॉट इज प्रोड्यूस्ड। तो सबसे पहले आपको समझना होगा ड्रॉट क्या होता है। सर्कुलेशन ऑफ एयर बाय द डिफरेंस ऑफ प्रेशर इज नोन एज ड्रॉट, यानी कि जहाँ पे प्रेशर डिफरेंस होगा वहाँ पे जो गैसेस है वो फ्लो होगी। मान लो यहाँ पे प्रेशर P1 है इधर P2 है तो फ्लो कहाँ से होगा, P1 ज़्यादा होगा तो फ्लो हायर टू लोअर होगा, तो ये सभी को पता है। तो यहाँ पे गैसेस का फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं ड्रॉट, यानी कि जैसे आपने देखा होगा बॉयलर के अंदर चिमनी होती है तो वहाँ से फ्लू गैसेस निकलती हैं तो उसको हम बोलते हैं ड्रॉट। ड्रॉट दो टाइप का होता है, एक नेचुरल ड्रॉट एक होता है फोर्स्ड ड्रॉट। नेचुरल ड्रॉट किसकी वजह से होता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, प्रेशर डिफरेंस की वजह से और डेंसिटी डिफरेंस की वजह से। लेकिन फोर्स्ड जो ड्रॉट होता है वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होता है, जैसे कि ब्लोअर लगा देंगे, फैन लगा देंगे, उससे फोर्स्ड ड्रॉट होता है। तो ये यहाँ पे नेचुरल ड्रॉट कहाँ पे देखने को मिलता है, तो वो चिमनी के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। बॉयलर के एग्जॉस्ट के अंदर चिमनी लगी हुई होती है तो चिमनी में जो गैसेस होती हैं वो यहाँ पर अंदर का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होता है, इसकी वजह से वो नेचुरल ड्रॉट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेल्टन व्हील इज एन मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन, रेडियल, एक्सियल या फिर इंपल्स। तो आप सभी को पता है पेल्टन टर्बाइन के अंदर नोजल होता है और नोजल जो है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो फोर्स लगाता है तो इंपल्स फोर्स होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। टर्बाइन ने मेनली दो टाइप के होते हैं, इंपल्स टर्बाइन और रिएक्शन टर्बाइन। तो बाकी के जो दो टर्बाइन जैसे कि आपका हो गया फ्रांसिस टर्बाइन, केपलन टर्बाइन, वो होते हैं रिएक्शन टर्बाइन। अब रिएक्शन टर्बाइन में भी देखिए मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन जो है, मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन जो है वो मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन होता है। और यदि मैं बात करूँ रेडियल फ्लो की तो रेडियल फ्लो टर्बाइन जो है वो फ्रांसिस टर्बाइन होता है और एक्सियल में केपलन टर्बाइन आता है और इसके अंदर फ्रांसिस और ये जो मिक्स्ड है वो मॉडर्न फ्रांसिस, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। द फ्लो ऑफ फ्लूड इन ए स्ट्रेट स्मूथ पाइप बिकम टर्बुलेंट व्हेन द। तो आप सभी को पता है यदि मैं बात करूँ पाइप की तो पाइप में यदि रेनॉल्ड्स नंबर 2000 तक है अप टू 2000 तो ये क्या होगा लेमिनार, और 2000 से 4000 के बीच में क्या हो जाएगा ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट यानी कि वो लेमिनार से टर्बुलेंट की तरफ चेंज होगा और जैसे ही रेनॉल्ड्स नंबर 4000 से ज़्यादा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टर्बुलेंट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन 4000। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन ए लेमन बॉयलर द मास फ्लो रेट ऑफ वाटर थ्रू द बॉयलर सर्कुलेशन पंप कंपेयर टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज टाइपिकली 10 times। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। लेमोट बॉयलर के बारे में आपको दो चीज़ें याद रखनी है, ये एक वाटर ट्यूब बॉयलर होता है और इसके अंदर जो सर्कुलेशन होता है वो नेचुरल ना होके फोर्स्ड सर्कुलेशन होता है, फोर्स्ड सर्कुलेशन और ये होता है आपका वाटर ट्यूब बॉयलर। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में इन दोनों में से ही पूछा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोटल लॉसेस डेवलप्ड इन सीरीज ऑफ पाइपिज, यानी कि यदि आपके पाइप मान लो सीरीज के अंदर है, ठीक है, तो हेड लॉसेस जो है वो आपका एड होता जाता है, यानी H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस एंड सो ऑन। और यदि मैं डिस्चार्ज की बात करूँ, यानी कि डिस्चार्ज जहाँ पे इतना जितना एंटर होगा उतना ही एग्जिट होगा, इसका मतलब Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q। और यदि मैं बात करूँ पैरेलल पाइप की तो वहाँ पे हेड लॉसेस जो है वो इक्वल होते हैं और डिस्चार्ज जो है वो एड होता जाता है, यानी कि Q1 बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमारा सीरीज़ के लिए क्या हो जाएगा, हेड लॉसेस एड होते जाएंगे, यानी कि सम ऑफ लोकल लॉसेस प्लस लोकल इन ईच पाइप। इन टू स्ट्रोक इंजन द टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम एम्प्लॉयड इन द क्रेंक केस इज द, तो यहाँ पे हमारा आंसर मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम हो जाएगा। इसको मैं सिंपल और देसी भाषा में समझाऊँ तो आपने कभी पेट्रोल पंप पर देखा होगा कि जो टू स्ट्रोक इंजन होते हैं, यानी कि जैसे मोपेड हो गया, पुराने जो मोपेड होते हैं या हैवी ड्यूटी, वो कभी भी तेल भरवाते हैं ना, उसके साथ में एक पाउच और होता है, तो वो पाउच जो होता है ना वो लुब्रिकेशन होता है, वो तो वो यानी कि पेट्रोल के साथ में मिक्स होके लुब्रिकेशन करेगा, तो उस लुब्रिकेशन सिस्टम को हम बोलते हैं मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम। क्योंकि मिस्ट का मतलब क्या होता है, धुआं, ठीक है। तो पेट्रोल इंजन के अंदर क्या होगा, कार्बोरेटर होगा, तो कार्बोरेटर के अंदर एयर और पेट्रोल का मिक्स होगा, तो उसके साथ में लुब्रिकेशन भी हो जाएगा। तो जैसे ही वो क्रैंक केस में एंटर करेगा तो वो वेपर के रूप में होगा और क्रैंक केस की जो सरफेस होगी उस सरफेस पे वो चिपक जाएगा और उसको लुब्रिकेट कर देगा। तो इस लुब्रिकेशन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम। तो फ्रेंड्स ये थे 20 क्वेश्चन, ऐसे हम तीन पार्ट में टोटल 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और नेक्स्ट दो वीडियो में हम टोटल पेपर कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।